हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि किस लिए रेडी हुई हूँ। तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ 2 मिनट, मुझे बहुत लेट हो रहा है यार। तो मैं जा रही हूँ माही के स्कूल, और माही के स्कूल में ना वो है साइंस एग्जीबिशन है, तो इसी वजह से जाना है। और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है घर पे ही, मतलब ये कहीं गए थे, और उसी की वजह से ना इनको वहाँ पर ही टाइम हो गया और बहुत लेट आए हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी जाते हैं। मम्मा को जल्दी चलो बोलो। हाँ, चल रही हूँ चल रही हूँ बेटा। मन मम्मा का तो यार पहले ही बहुत लेट हो गया है, और वो वेट कर रही होगी, उसका वो भी कुछ करने वाली है, और वहाँ पर कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हैं बोल रही थी। तो जल्दी आना कर रही थी, बट अभी बहुत लेट हो गया है। चलो चलो, चले निकल चुके हैं हम लोग। और कल भी जाना था हमें, बट कल जाना नहीं हुआ एसी फिटिंग की वजह से। और वो मैं रेडी हो गई थी, बट और वो इंस्टॉलेशन के लिए आ गए थे, इसी वजह से मैं वो घर पे रुकना पड़ा मुझे। तो अभी निकले हैं, आधा घंटा ही बाकी है। हाँ, विश केलं मी तुला। हाँ यार, याला बर्थडेचं क्रेज झालं काय माहिती, हमेशा बर्थडे 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 बर्थडे, याला काय जेव्हापासून समजायला लागलं ना बर्थडे, तो इसका बर्थडे का क्या है पता नहीं। हाँ अद्वे, जब से इसे बर्थडे समझने लगा है तब से बर्थडे बर्थडे बर्थडे, डेली इसका बर्थडे रहता है, डेली विश करो। अद्वे हैप्पी बर्थडे बेटा। अरे हैप्पी बर्थडे बर्थडे। हाँ हाँ ठीक है। कोण घेऊन बसलो होतं तुला? आशिष मामा। आशिष मामा तुला काय करून घेतलं होतं? केक कापायला। अच्छा, तुला एवढ्या दिवसाचं आठवण आहे? हो। तो गाइस, जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे स्कूल में, तो हमें पता चला कि जो एग्जीबिशन है, मतलब साइंस एग्जीबिशन था, तो वो फिनिश हो गया है। मतलब बच्चे अपने अपने स्कूल, मतलब स्कूल बोल रही हूँ, अपने अपने क्लास में चले गए हैं। तो हमें इतना मतलब बुरा लग रहा था, एक्चुअली ना बुरा इसीलिए लग रहा था कि पहले दिन में माही ने वेट किया, और उसके बाद दूसरे दिन भी माही वेट करती रही। बाद में उसने बोला था हमें कि मम्मा हमारी गाड़ी का वेट ही कर रही थी कि मुझे गाड़ी दिखेगी, क्योंकि जो फ्रंट में था, जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं स्कूल में, तो वहाँ पर ही उसका स्टॉल था। तो इतना बुरा लग रहा था मुझे भी। बाद में उसको फिर समझाया हमने और फिर गए थे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने बनाई हैं, जो भी आप देख रहे हो ये सारे बच्चों ने ही बनाए हैं, पेंटिंग से लेके सारी चीज़ें। तो उन्होंने इसी का एग्जीबिशन लगाया था, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो, अब मैं मतलब गई तो नहीं, जब आ ही गई हूँ तो आपके लिए वो शूट कर देती हूँ कि जो जो बच्चों ने बनाया वो आपको दिखा देती हूँ। जहाँ पर माही थी ना, वहाँ पर सारा उठा लिया था उन लोगों ने, तो इसी वजह से वो तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी। बट जो हैंकी वगैरह इन लोगों ने बनाए थे, मतलब माही ने जो हैंकीज वगैरह बनाए थे, तो वो इन्होंने स्टॉल में लगाए थे तो बेचने के लिए। तो वो वाला मतलब पेरेंट्स वगैरह खरीदते हैं ना, बच्चों के जो चीज़ें बच्चों ने बनाई हैं तो वो पेरेंट्स खरीद रहे थे, तो इसी वजह से वो वहाँ पर बेचने के लिए रखी थी उन लोगों ने। तो वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूँगी, बट आपको प्रोजेक्ट वगैरह सारी चीज़ें दिखा देती हूँ कि बहुत ही अच्छा किया था यार बच्चों के अकॉर्डिंग ना, मतलब बच्चों की एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा किया था बच्चों ने। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे तो। मतलब आप देख सकते हो ये जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत छोटे छोटे बच्चों का है। तो बट इसमें क्लास टीचर भी जो है वो हेल्प करते हैं, बट फिर भी तो मतलब बच्चों ने बनाया है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये सारी चीज़ें। तो आपको दिखाने के लिए मैंने सोचा चलो शूट कर लेती हूँ जो भी है। तो ये पिछले साल भी हुआ था, पिछले साल भी हम लोग आए थे, बट ना इस साल थोड़ा सा लेट हो गए। और ना ये बोल रहे थे मुझे, जैसे ही एंट्री की हम लोगों ने और जैसे उन लोगों ने बताया कि आप लेट हो गए हो थोड़ा सा, तो मैंने पहले ही इनको बोला कि हम लेट हो गए हैं, तो ये बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, माही ने तो बोला था कि आप 1 बजे तक आ सकते हो।
बट ना हमें 12:30 बजे घर पे ही 12:30 बज गए थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद पता चला कि बंद हो गया है, तो ये क्या बोले पता है? बोले कोई बात नहीं, हम अगले साल के लिए 1 साल पहले ही आ गए हैं। मैंने बोला आपको मजाक सूझ रहा है, बच्चे की हालत कितनी ख़राब हो गई होगी, क्योंकि सारे पेरेंट्स गए हैं और हम ही नहीं गए हैं। तो अच्छा नहीं लगता यार, पहले दिन भी बच्ची ने वेट किया, दूसरे दिन भी हमारा ऐसे ही। तो पहले दिन तो उसको रीज़न पता था, दूसरे दिन का रीज़न उसको नहीं पता था, उसके पापा कहाँ गए थे, उसके पापा को काम था इसी वजह से। बट मेरी बेटी ना इतनी समझदार है माही, बहुत ज़्यादा समझदार है। मतलब मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार इसको एक बार समझो ना तो ये समझ जाती है। तो उसको सिर्फ एक बार मैंने समझाया कि बेटा पापा की ड्यूटी थी, इसी वजह से पापा नहीं आ पाए, तो इसी वजह से हम लोग भी लेट हो गए, तो वो मान गई थी। फिर भी उसको ये लगा कि चलो पापा मम्मी पापा आए तो सही, लेट क्यों ना हो मम्मी पापा आए। फिर उसने सारा कुछ दिखाया मुझे, जो जो मैं अभी देख रही हूँ सारा कुछ उसने मुझे दिखाया, यहाँ पर ये था यहाँ पर वो था, और पूरा राउंड करके हम लोग फिर आ गए। मतलब यहाँ पर भी एक और है, मतलब जो जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पर माही खड़ी थी, तो यहाँ पर ही माही का जो स्टॉल है वो लगाया था। तो माही बोल रही थी कि यहाँ से मुझे गाड़ी डायरेक्ट दिख रही थी कि आप, मतलब मैं वेट कर रही थी कि आप लोग कब आओगे, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो जाने दो, मैं आपका शूट कर लेती हूँ कि कहाँ पर आप खड़े थे क्या है। तो फिर उसने ना मुझे वो जो हैंकी थी उसकी, मतलब उसने बनाए थे हैंकी, मुझे पहले ही उसने बोला था कि मम्मा आप मेरी हैंकी खरीदोगी क्या। मैंने उसको हाँ उसी टाइम हाँ बोल दिया था। तो मैंने बोला चलो आप दिखा दो मुझे कि कौन सी हैंकी आपने बनाई है। तो ये पर पीस 40 रुपीज़ की हैंकी थी, तो मैंने बोला चलो आप जो भी हैंकी आपने बनाई है वो दिखा दो मुझे। तो उसने 2 हैंकी बनाई थी, तो ये सारी चीज़ें मतलब बच्चों ने बनाई है, ये सारे हैंकी उसके क्लासमेट में बनाई थे। तो उसने जो जो हैंकी बनाई थी तो वो मुझे वो दिखा रही थी, ये वाली हैंकी एक बनाई थी और एक ब्लैक वाली हैंकी बनाई थी, तो वो मुझे दिखा रही थी कि ये 2 मैंने हैंकी बनाई है, तो ये 3 सॉरी बनाई थी, तो इसमें से 3 में से कौन से हैंकी आपको पसंद आई ये पूछ रही थी। तो मैंने बोला आपको जो पसंद आई है वो आप ले लो, तो उसको ग्रीन वाली पसंद आई थी हैंकी, तो मुझे ब्लैक वाली पसंद आई थी एक्चुअली, बट उसको ग्रीन वाली पसंद आई थी, तो मैंने बोला आप ग्रीन वाली ले लो, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप दोनों ले लो। तो बोले नहीं नहीं एक लो और फिर वैसे ही पड़ी रहेगी नहीं तो। तो मैंने बोला ठीक है आप ले लो, तो उसने ना वो ग्रीन वाली हैंकी ले ली थी। और बच्चे ना ऐसे कुछ चीज़ें हम लोग ले लेते हैं या उनको इनकरेज करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो माही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। उसको इतना ही था कि चलो मम्मी पापा आए हैं, उन्होंने अद्विक को लाया है और उसके साथ हमने सारी चीज़ें देखी, वही उसको अच्छा लग रहा था। तो चलो मैंने सोचा चलो इसको अच्छा तो लगा है, कम से कम हम लोग गए उसको दिखे, लेट क्यों ना हो गए फिर भी हम लोग उसको दिखे वहाँ पे, तो वही उसको अच्छा लगा था। और अद्विक भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था दीदी के स्कूल में आके, उसको भी अजीब अजीब थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, तो वो भी थोड़ा सा खुश हो रहा था और उसको लग रहा था कि दीदी मैं आपके स्कूल में आ गया हूँ ये वो। तो और ना ये यहाँ पर ये थे मतलब बच्चों के खिलौने थे, तो वहाँ पर खेलने के लिए ज़िद कर रहा था और बहुत ज़्यादा धूप थी वहाँ पर, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि ये यहाँ पर बहुत गर्म हो गया है, तो इसी वजह से हम लोगों ने उसको खिलाया नहीं था वहाँ पे, लेकिन बहुत ज़िद कर रहा था वहाँ पे खेलने के लिए। और फिर हम लोग घर पे आ गए थे, तो फिर ना घर पे लेट हो गया था आने के लिए। तो फिर ये शाम का है, तो शाम को मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना ही रही थी, मतलब शाम का मीन्स दोपहर के बाद का, मुझे खाना वाने खाने के बाद का है ये। तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना ही रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट शेयर कर देती हूँ। पिछली बार एक वीडियो में काफ़ी लोगों ने बोला था कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है आप जो घर पे बनाते हो वो हमारे साथ शेयर करिए, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज आपके साथ कर ही रही हूँ, तो मैं ना हफ्ते में एक बार बनाती हूँ ये वाला पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं हफ्ते में एक बार बनाती हूँ, क्योंकि हफ्ता भर चल जाता है, संडे के दिन बनाती हूँ, तो कभी जब भी ख़त्म हो जाता है एक्चुअली तब बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है संडे ही बनाती हूँ, जब ख़त्म हो जाता है तब बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि लहसुन छील लिया है, बहुत सारा लहसुन छील लिया है, और उसके बाद मैंने उसमें अदरक डाल दिया है, उसके बाद मैंने जीरा डाला है उसमें, और ये ना धनिया पत्ता है, तो ये सारी चीज़ें डाल देनी है, और हमें थोड़ा सा उसमें तेल ऐड करना है, धनिया पत्ता डालने के बाद तेल थोड़ा सा ऐड करना है। तेल इसलिए ऐड करना है कि धनिया पत्ता का जो ग्रीन कलर है वो वैसा का वैसे ही रहेगा जब तक आप इसे यूज़ करोगे ना, मतलब जब तक आप ये वाला पेस्ट यूज़ करोगे कितने भी दिन चले तब
तब तक ये धनिया पत्ता का कलर जो है ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा, बिल्कुल ब्लैक नहीं होगा। वैसे आप देख लो कि जैसे हम लोग ये करते हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हैं और तो एक दिन भी बाहर रख देते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है, बट ये वाला ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। आप थोड़ा सा उसमें तेल अगर ऐड करोगे तो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। और बस आपको इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करती हूँ मैं। कोई कोई इसमें हरी मिर्च भी डाल देते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर अंदाज़ा नहीं मतलब हो जाता होता है, क्योंकि हम लोग अगर लाल मिर्च पाउडर डालते हैं ना तो उसमें मिर्च का अंदाज़ा नहीं होता है फिर, तो इस वजह से मैं ना इसमें हरी मिर्च वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। तो ऐसे ही बनाती हूँ, और ये बन गया हमारा पेस्ट। थोड़ा सा चिकना बना लेती हूँ, तो ये हमारा पेस्ट बन गया है। और अब इसे निकाल के मैं 8 दिन के लिए स्टोर कर दूँ करके रख दूँगी, और आराम से ये मेरा 7-8 दिन चल जाता है। बस इसी तरह से इस पेस्ट को आपको एक कोई भी फूड ग्रेड प्लास्टिक के कंटेनर में भर के रख देना है, और आप ग्लास का कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो, पर ये जो प्लास्टिक है वो अच्छा प्लास्टिक है। प्लास्टिक का जो फूड ग्रेड प्लास्टिक आता है उस प्लास्टिक का ये कंटेनर है, तो इसी वजह से मैं इसमें ही भर के रख देती हूँ जो लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये जो बचा था ये मैं सब्जी में यूज़ करूँगी। अद्विक ने आज बनियान पहनी है, बनियान। पापा तो हाँ, पापा भी पहनते हैं, पापा पहनते हैं, इसी वजह से आपने पहनी। हाँ, और हाँ ये मत दिखाओ, 1 मिनट, ये हैंडकरचीफ मैंने जैसे कि आपको दिखाया था तो ये वाला लिया है, और माही ने बनाया है ये, और वो ब्लैक वाला भी बनाया था माही ने। हाँ, ये आपने बनाया? ओके, आपने बनाया है। दीदीचे शाळे मध्ये एवढे सारे खिलौने आहे। हाँ हाँ, इतने सारे खिलौने बोल रहा दीदी के स्कूल में। शेमडू मत पूछना, चालू किया यार इसने। अब रोक किस ले रहा था पता है? माही चुप रहो, हाँ ये रोक किस ले रहा था पता है? इसके मतलब वो माही माही बोल रही है आपके पेट में का मैं खाती हूँ, तो इसी वजह से नहीं आपने मेरे पेट के अंदर का खाया बोलते बोलता है, तो मैं भी आपके पेट के अंदर का खाऊंगा, तो इसी वजह से हाथ लगाने की, और इसको इसको गुदगुदी हो रही थी। और ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसा शैतान भाई है किसी का नहीं हो सकता है, बहुत सारे शैतान लोग दुनिया में, शैतान नहीं है लेकिन। अरे रो रहा था, पेट में खाया तो पेट में कहा है। हाँ दिखाओ दिखाओ, अरे आप गुड बॉय, अजी आप गुड बॉय हो ना, खा लिया वो पेट का, खा लिया खुश हो गया। जब तक वो उसने अगर उसके पेट को हाथ लगाया और पेट के अंदर का खा लिया तो जब तक वो बदला नहीं ले लेगा और उसके पेट के अंदर का खाएगा नहीं तब तक। ए ठाकुर, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये खा लिया, खा लिया, खा लिया क्या आपने? इनकी तो मस्ती चली रही है, तो डिनर कब से बन के रेडी है और बस इन्हीं का वेट कर रहे हैं। आ जाएंगे तो डिनर कर लेंगे हम लोग। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हो तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो।
ये देखो कैसे आ रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय। बाय कर दो, बाय। नहीं तुझे पसंद भी ना आ जाए, तुझे पसंद में नाराज है, तू माझे पसंद नाराज है। हाँ का बर नाराज है, मी कधी मारते तुला? खोटू खोटू खोटू, मी फक्त रागवलं तुला। नाही मग तुम्हाला मारतो, मी तुला मारलं। हस मग, चलो हा शो हा छोलो हस छो हस दो ना पिल्लू। नहीं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हा शो। मम्मा जी पोटा खाल दीदी पोटातलं खाल्लं नव्हतं, मम्माचं पोट भरलं। दीदीच्या पोटातलं खाल्लं म्हणून तुझं पोट भरलं? अच्छा आता दीदी, आता तुला मी जेवायलाच नाही देणार, तू दीदीच्या पोटातलं खा आणि पोट भरून घे। चलिए फिर बाय, टेक केअर अँड लव यू ऑल, बाय।